हेलो दोस्तों, का फिर से मैं यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड 19 बैच स्कूटनी रेल जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रशिक्षु पास नहीं हो पाए हैं। क्या कारण है पास ना होने का ये भी बताएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ जो प्रशिक्षु पास हुए हैं कैसे पास हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अंतिम मौका मिल रहा है दोस्तों पास होने का। डीएलएड 19 बैच जिसका भी बैक है दोस्तों, जिनको लगता है कि हम पास हो सकते हैं उनको अंतिम मौका दिया गया है। मैंने कई अधिकारियों से बात किया हूँ दोस्तों, जो भी जानकारी मिला है सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी बात रखेंगे। ठीक दोस्तों, और आप लोग को देखिए पास होना बहुत जरूरी है। जो जिनका लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि हमने 25 में से 20 नंबर 21 नंबर पा सकते हैं, 50 में से 30 नंबर 35 नंबर पा सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, क्या क्या करना है एक एक बात इस वीडियो में बताएंगे। और इस चैनल पर जो भी नए दोस्तों, देखिए एक एक बात हम आपको रखते हैं वो भी ऑफिशियली, ऐसा नहीं है कि मैं बना बना कर बात करता हूं दोस्तों। जो न्यूज मिलता है अधिकारियों से, प्राचार्य से, डायट प्राचार्य से दोस्तों, उन्हीं की बात हम यहां पर रखते हैं। और जो भी आरटीआई जो डालना है दोस्तों, कैसे डालना है सब बात इसमें करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को छोड़िए, मैं बताता हूं जो पास हुए हैं प्रशिक्षु स्कूटनी में कैसे पास हुए हैं उसके बारे में चर्चा करें। अब नीचे आइए, सारा एप्लीकेशन हटाते हैं, पहले हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं दोस्तों। देखिए एक प्रशिक्षु ये थे, ये लगभग 2019 बैच के हैं। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय में इनका बैक था, मैं आपको बता दोस्तों इनका 11 नंबर था, 13 नंबर हो गया। रीजन क्या था दोस्तों, इनका काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ था, काउंटिंग में इनका 2 नंबर घट रहा था, लेकिन काउंटिंग में इनका कॉपी, देखिए कॉपी स्कूटनी का चेक नहीं हुआ है, किसी का भी स्कूटी का कॉपी चेक नहीं हुआ, इसका भी प्रूफ आपको दिखा देंगे अभी, आपको एक एक बात इस वीडियो में बताएंगे। फिर दोस्तों तो स्कूटी कॉपी चेक नहीं हुआ है, पीएनपी ने धोखा दिया इस बार, और साथ ही साथ कॉपी चेक करवाने का अंतिम मौका मिल रहा है आपके पास आरटीआई का। आरटीआई सभी को पता है, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक दोस्तों, सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं। और मैं आपको दिखाते हैं जो मेन रिजल्ट है उसके पर आइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका जो रिजल्ट था दोस्तों, इनका देखिए 2 नंबर था। ठीक है, किसमें? गणित में। गणित में इनका कितना नंबर था? 2 नंबर था। इनको कॉन्फिडेंस था कि मैं 25 का 25 करके आया था, तो इन्होंने क्या किया था, स्कूटनी डाला था और इनको कॉन्फिडेंस था मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, इनका रिजल्ट अब देखते हैं। स्कूटनी जब डाला गया था तो इनका गणित में देखिए कापी जाँच नहीं हुई है दोस्तों, यदि कापी जाँच होता तो 25 में 25 इनका आता है दोस्तों, 25 में 25 फिक्स है इनका कि 25 में पूरा क्वेश्चन वो करके दिखा देंगे, वो भी आपका 1 घंटे का पेपर होता है तो 50 मिनट में कह रहे हैं करके दिखा देते। तो उनका देखिए 2 में से क्या आ गया, 22 आ गया। जब काउंटिंग हुआ तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जब ऐड होता है तो यहाँ पर 0 2, इसको 0 जो था इसको 0 समझ लिया, जब चाहा था नंबर चढ़ता है तो इसको 0 को 2 को 0 समझ लिए थे लोग, तो इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कापियाँ जाँच नहीं हुई है, काउंटिंग हुआ है, यानी कापी जो आप लोग डाले नॉट चेंज जिसका दिखा रहा है उसका केवल कापी काउंटिंग हुआ है, काउंटिंग में समस्या है तो पास हुए हैं लेकिन कापी जांच नहीं हुआ है। कापी जांच करने का आरटीआई डालना बहुत जरूरी है, जिनको लगता है कि हम पास हो सकते हैं। देखिए अभी देखिए यूपी टेट का पेपर होने वाला है, देखिए अभी अक्टूबर में प्रस्ताव रखा जा रहा है, कभी दिसंबर में तो अक्टूबर में संभावना बढ़ रही है पेपर होने का, तो आप लोग आरटीआई डाल के आप पास हो सकते हैं स्कूटी रिजल्ट में। तो दोस्तों, तो मैं एक एक बात इस चैनल पर ही आपको बताते रहेंगे कि स्कूटनी कैसे डालना है, मतलब आरटीआई कैसे डालना है, किसको डालना है, स्पीड पोस्ट कैसे करना है, सारे बात इसमें बताएंगे। इसी तरह से बहुत सारे आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं दिखाता रह जाऊंगा दोस्तों, जो पास हुए हैं सबका एक ही रीजन है, काउंटिंग से पास हुए हैं, न कि कापी चेक से। ठीक है, तो हम पूरे पूरा नहीं दिखाते हैं आपको रिजल्ट, छोड़िए अब रिजल्ट की बात तो हो गई कि कैसे पास हुए हैं, अब बात करते हैं कि आप लोग आरटीआई कैसे डालेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जो पता किया हूँ दोस्तों, पता जो किया हूँ आरटीआई का, कि आरटीआई क्या होता है कैसे होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए आरटीआई होता है कि जैसे आप कोई काम अच्छा करते हैं और आपके, जैसे मान लीजिए आप पेपर ही दे रहे हैं तो पेपर में अच्छा किए हैं, लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं और हमें कापी देखनी चाहिए, तो आपके सामने ही कापी दिखाया जाएगा, चेक होगा, आपको लगता है कि पेपर हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके रखे रहेंगे और उनको दिखाना पड़ेगा। कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है और कैसे क्या करना है सब बताते हैं। देखिए जो एप्लीकेशन लिखना है आपको पीएनपी को लिखना है, और क्या करना है देखिए, पीएनपी को कैसे लिखना है, सेवा में जन सूचना अधिकारी विभाग परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज। तो दोस्तों इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक पिन कोड होता है, ठीक है, पिन कोड है 211001। ठीक दोस्तों, 211001 ये पीएनपी का पिन कोड है, यानी एलनगंज का पिन कोड है, पिन कोड लिखना मत भूलिएगा जब आप लोग स्पीड पोस्ट करेंगे। इस एप्लीकेशन को लिखिएगा, कॉपी पेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। मैं आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम पर डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लेटर मिल जाएगा। अब लेटर को कॉपी करना है, जिनको कॉन्फिडेंस है हम पास होंगे, ऐसा नहीं है कि फालतू टाइम मत करिएगा, टाइम बर्बाद मत करिए,
क्योंकि जिनको लगता है कि हम पास होंगे वही लोग आरटीआई डालेंगे। आरटीआई में कोई फीस नहीं लगता है, आपको पहले बता रहा हूँ, आरटीआई में कोई फीस नहीं लगता है। स्पीड पोस्ट का जितना पैसा लगता हो, आपको एप्लीकेशन लिखना है, स्पीड पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विषय में क्या लिखना है आपको, विषय में ही लिखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन, 2005 में इसका लागू हुआ था, किसका आरटीआई लागू हुआ था, और उसी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। महोदय मैं, आपका नाम जो भी है, जैसे मैं अखिलेश सर हूँ, तो मैं क्या, मैं अखिलेश सर या अखिलेश पटेल जो भी हैं, कि दोस्तों का छात्र या छात्रा हूँ, मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का तो रिजल्ट है, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 2020 में दिया था, कि दोस्तों दिया था, मैंने उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ, लड़का हो तो चाहता हूँ, कृपया मेरी पुस्तिकाओं का प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें जिनका ब्यूरो निम्नानुसार है। नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, जो आप लोग का हॉल टिकट में या रोल, जो भी हॉल टिकट जो मिलता है आप लोग का, मतलब प्रवेश पत्र जो होता है, परीक्षा का नाम जो डीएलएड का परीक्षा है, परीक्षा केंद्र का नाम जहां पर आपका सेंटर गया था, विषय का नाम, परीक्षा की तिथि, कौन से डेट का परीक्षा हुआ था, और इसके साथ क्या क्या लगेगा दोस्तों, देखिए इसके साथ आपका लगेगा अदा किए गए शुल्क का उल्लेख, मतलब जो आप लोग फीस जमा किए हैं, जो आप लोग स्कूटनी का फॉर्म डाले होंगे या फिर परीक्षा फॉर्म डाले होंगे, उसका दोनों में से किसी का भी विवरण मिल जाए तो आप लोग लगाना है। जो आप फीस की प्रति के माध्यम से पेड का विवरण दिए थे, आपको एक कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ से आपको जीरोक्स मिल जाएगा, उनके पास सारा डाटा होता है, अपने कॉलेज से पता करेंगे। संलग्न क्या करेंगे, मतलब आप लोग फोटोकॉपी करा के क्या क्या लगाएंगे, देखिए जो फीस है फीस का फोटोकॉपी करेंगे, आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराएंगे, ऑनलाइन रिजल्ट का, जो इस समय रिजल्ट है नॉट चेंज वाला, मतलब जो आपको स्कूटनी का रिजल्ट है और आपको रिजल्ट जो आया था उसमें का, दोनों लगाएंगे। परीक्षा प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र आपका वो लगाएंगे, ठीक दोस्तों। और देखिए और डेट लिखेंगे आज का, जो मतलब जिस दिन आप भरेंगे उसका डेट लिख देंगे, प्रार्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, तीनों लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट पर करना है, कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, ठीक है, कहाँ करेंगे, परीक्षा नियम पदाधिकारी आलमगंज प्रयागराज, पिन कोड 211001, ठीक दोस्तों, इसी पिन कोड पर आपको करना है। जब आप लोग स्पीड पोस्ट करने जाएंगे तो इसका पता लिखना पड़ता है कि टू किसको भेज रहे हैं उनको, फिर उनको भेजने के बाद वहाँ से जब इनको मिलेगा, आरटीआई मिल जाएगा, तो आरटीआई मिलने के बाद आपको संपर्क किया जाएगा कहाँ से, या फिर डायरेक्ट से किया जाएगा, यानी डायरेक्ट से आपकी, जिस डायरेक्ट से आप संपर्क हैं, जिस डायरेक्ट से आप हैं वहाँ पर बुलाया जाएगा, उस डायरेक्ट में आपको कन्फर्म किया जाएगा कि आप पास हो सकते हैं कि नहीं, अपनी कॉन्फिडेंस को आप वहाँ पर जाहिर करिएगा, यानी बताइएगा सर हम पास हो सकते हैं बिल्कुल। जो पास नहीं हो पाएंगे, जिसको लगता है कि डाउट है कि हम पूरा क्वेश्चन किए हैं, वो डाउट में है तो कभी नहीं भरेंगे, क्योंकि इससे बहुत दौड़ना धूपना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके पास होते हैं। यदि पास हैं तभी आप लोग आरटीआई डालिएगा, वरना मत डालिएगा, ठीक दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे तीन ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, ए वन टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए VIG001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको PNP बुलाया जाएगा, PNP पर आपकी कापी चाप चेक होगी, आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा या फिर आपको कापी इलाहाबाद आपके डायरेक्ट में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस आपका PNP पर बनेगा। वहाँ पर आपके सामने कापी चेक होगा और कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, मैं कितनी बार बोलूँ, फीस वीस नहीं लगता है, ठीक दोस्तों। तो PNP पर आपकी कापी चेक होगी, वहीं से सारा कार्रवाई होगी दोस्तों आपकी PNP पर ही, और PNP पर ही आपको आपको रिजल्ट जो भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट है उसका जीरोक्स करा के एक और रखे रहेंगे, क्योंकि उसको नहीं रखे रहेंगे तो आप RTI का जो भी है जो मतलब आप डाले हैं स्पीड पोस्ट कराए हैं सब कुछ आप प्रूफ के लिए फोटोकॉपी करा के रखते रहिएगा, क्योंकि जब आपको बुलाया जाएगा फ़ोन नंबर से या कॉलेज से बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको ये सब दिखाना पड़ेगा, सर हम ऐसे ऐसे किए थे और हम पास हैं, आपको सब कुछ वहाँ पर रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको उपस्थित होकर वहाँ दिखाना पड़ेगा,
ठीक दोस्तों, थोड़ा सा लफड़ा है, लेकिन आप लोग यदि पास हैं तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट का पेपर होने वाला है, मान्य वही लोग होंगे जो सेकेंड सेमेस्टर पास होंगे। आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि आप लोग को पास होना बहुत जरूरी था, लेकिन दोस्तों काफ़ी चेक न होने के कारण कोई पास नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, तो आज मैं आपको यही बताया था, और भी जो भी डाउट है अगले वीडियो में आपको सब कुछ कन्फर्म कर देंगे। अभी कई प्राचार्यों से बात करना है, तो प्राचार्य से मैं बात करके आपको एक एक बात क्लियर कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में ही तक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।